नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिष्ट। बिहार में जातिगत जनगणना के दूसरे दौर की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को विकास के लिए जरूरी बताया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट बिहार विधानसभा में रखी जाएगी और फिर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कास्ट सर्वे जरूरी है। क्या कुछ है सीएम के तर्क, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जाति आधारित सर्वेक्षण के दूसरे दौर की शुरुआत बख्तियारपुर से की। इस मौके पर उन्होंने जातिगत जनगणना को विकास के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि जाति सर्वेक्षण का दूसरा दौर जो शुरू हुआ है वो एक अच्छी कोशिश है। यह हमें हर जाति की संख्या, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में सही जानकारी देगा। इससे हमें सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से डिजाइन करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे पूरा होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट बिहार विधानसभा में रखी जाएगी और फिर इसे सार्वजनिक किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार को भी बताएंगे कि ये एक अच्छा होगा यदि देश भर में जाति आधारित जनगणना की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई लोगों के इस बारे में गलत विचार है। नीतीश कुमार ने आगे कहा, क्योंकि हम इसे पहली बार कर रहे हैं इसीलिए कई अन्य राज्य भी बहुत रुचि के साथ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी लंबे समय से मांग रही है। कई राज्य भी जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और हमने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया था। आपको बता दें कि सर्वेक्षण का दूसरा दौर 15 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान लगभग 3,20,000 गणनाकार राज्य भर में अपने काम को अंजाम देंगे, जो 17 सामाजिक आर्थिक मानदंडों पर 29 मिलियन पंजीकृत परिवार के विवरण का दस्तावेज तैयार करेंगे। इसमें रोजगार, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, भूमि जोत और संपत्ति के स्वामित्व से लेकर जाति से संबंधित सवाल होंगे। इसमें शामिल होने वालों को 214 पूर्व पंजीकृत जातियों के बीच चयन करना होगा, जिन्हें कोड आवंटित किया जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक सबसे पहले डाटा को एक कागज के रूप में दर्ज किया जाएगा, उसके बाद विशेष रूप से डिजाइन किए गए ऐप पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यास की देखरेख करने वाले नोडल निकाय सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव मोहम्मद सोहेल ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक 50,000 प्रविष्टियां दर्ज की जा चुकी है। वहीं जाति के आधार पर जनगणना का विरोध भी जमकर हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने जाति जनगणना की आलोचना करते हुए सीएम नीतीश पर आरोप लगाए कि आरजेडी की गोद में बैठने के बाद नीतीश कुमार मुस्लिम तुष्टिकरण और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। वो पीएम बनने के लिए बेताब हो गए हैं, लेकिन तेजी से उनके पैर तले से जमीन खिसकती नजर आ रही है। वहीं जातिगत जनगणना को कानूनी चुनौतियां भी मिल रही हैं। पटना उच्च न्यायालय में इसको चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के बाद ये तय होगा कि याचिका को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। दरअसल इस याचिका में बिहार की जातिगत जनगणना को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि जनगणना को अधिसूचना करने का अधिकार केवल केंद्र को ही है। जहां सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को विकास के लिए जरूरी बताया है, वहीं बीजेपी जातिगत जनगणना को तुष्टिकरण और जातिवाद की राजनीति से जोड़ रही है। साथ ही इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सामाजिक न्याय की राजनीति के एक नए मॉडल के रूप में भी देखा जा रहा है। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।